आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के शौंगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जनता की जन समस्याओं को लेकर नगर पंचायत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है, नगर के वार्ड के लोग कई समस्याओं से ग्रसित होने के कारण नगर पंचायत उनकी समस्याएं हल नहीं कर रही है और नगर के कई वार्डों में जन समस्याओं में मुख्य रूप से गंदगी की समस्या ज्यादा सामने आई। वही वार्ड वासियों द्वारा और भी अपनी कई समस्याएं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष रखी एवं अवगत कराते हुए समस्याओं को हल करने की बात कही। वही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर की जन समस्याओं को लेकर पैदल नारेबाजी करते हुए नगर पंचायत पहुंचे, जहां पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्या नए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष रखी एवं लोगों के साथ मिलकर नगर पंचायत का घेराव किया। वही नगर पालिका के मुख्य अधिकारी द्वारा नगर की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। खबर आपकी राजस्थान से, श्रीपाल सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर नगर में जो चलन समस्याएं हैं, और कुछ मांगे हैं इसके लिए उन्होंने घेराव किया है। सफाई के पानी का, लाइट शेड लाइट का, कुछ पट्टों के विषय में इन्होंने आवाज़ उठना कि ये इनकी मांग है। आपके सामने जो समस्या आई उसमें आपको क्या लगता है कि वास्तव में लोग परेशान हैं? सर, ये जो स्वच्छता के विषय में तो हम वैसे भी बहुत जागरूक हैं और जो भी इनकी जो मांग है वो एक हफ्ते में हम तो पूरी कर देंगे। पर ये जैसे पट्टे की जो उनकी मांग थी, कुछ लोगों के पास पट्टे नहीं है, मुख्य रूप से स्वच्छता के लिए और पट्टे के लिए समस्याएं और आवेदन दिए गए। क्योंकि स्वच्छता के मामले में तो हम भी सतर्क हैं और निरंतर अभियान चला रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले डेंगू के केसेस चिन्हित हुए थे, एक या दो केसेस के बाहर जाके, उसी संबंध में